सो हेलो एवरीवन गाइस, जस्ट मैंने एक ट्रेड लिया है जो अपना न्यू सीरीज है उसके रिगार्डिंग. मैं डेली ट्रेड लेता हूँ जो लो कैपिटल में. तो मेरा एम यही है कि 300 400 500 रुपये के इन बिटवीन जैसा मिले वैसा आपको मिले. तो ये ट्रेड मैंने जस्ट लिया, आपके बाजू के स्क्रीन में मेरा अपस्टॉक का लाइव ट्रेडिंग चल दिख रहा रहेगा आपको. और यही बेसिस पे मैं लिया, क्या बेसिस पे लिया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन JSW स्टील बहुत ही ज़्यादा मतलब लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, ये मेरे को पहली चीज़ दिखती है. आप इधर देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से एक पुल बैक ऊपर की तरफ आया और सेकेंड टाइम R2 को जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच करके एक अच्छा इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न क्रिएट हुआ और वो नीचे आने का ट्राई कर रहा है. तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत सही है. तो मेरे को देखो गाइज, लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है. तो मेरे को इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है बहुत सही मिल रहा था, तो इसीलिए ट्रेड मेरे को बाय करना बहुत ही मतलब ये मिस करेगा तो मेरा मतलब मिस हो जाएगा. तो दैट्स वाई ये ट्रेड मैंने लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है. इफ वो कम मिल रहा है तो वो ट्रेड में जाने का कुछ मतलब नहीं है. तो इधर रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मेरे को अच्छा मिल रहा है और अदर फैक्टर्स ऑल्सो ऑन माई साइड, लाइक RSI इज ओवरबॉट जोन से नीचे आ रहा है, राइट. और ये सब फैक्टर के वजह से मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ. तो दैट्स इट, अभी अपन देखते हैं क्या होगा. मैं आप फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाऊंगा आपको और फिर आप देखिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. ओके और आप देख सकते हैं मैं पाइवोट्स में ऐसा करता हूँ. ये मैंने रिफ्रेश पेज क्यों किया है? वो आपके लिए किया कि पाइवोट्स में आप दोनों पाइवोट्स लगा लीजिए, एक ट्रेडिशनल पाइवोट्स ऑल्सो और फिबोनाची भी. तो दोनों का लेवल्स अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. सेकेंड है मैं RSI यूज़ करता हूँ और बाकी कोई भी इंडिकेटर रहेगा उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए. बट ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ. देखो ओवरबॉट जोन से अभी नीचे आ रहा है और मैं ये लेवल तक होप मैं एग्जिट करूंगा, बट वोलेटिलिटी मेरे को अच्छी दिखी तो मैं लेवल के बाद भी ट्राई करूंगा कि ये ट्रेड में रहना. इफ इसके बाद मेरे को वोलेटिलिटी कम दिखी तो आई विल एग्जिट द पोजिशन. मेरे को नीचे वॉल्यूम भी दिख रहा है, वॉल्यूम कम हुआ इसके बाद तो मैं एग्जिट कर लूंगा. इफ नहीं हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस अभी मिनिमाइज कर रहा हूं मैं. मैंने स्टॉप लॉस एक पॉइंट से मिनिमाइज कर लिया. देखो डिसिप्लिन यही रहता है ट्रेडिंग में कि एक एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पॉइंट इंटू 300 क्वांटिटी इज इक्वल टू थ्री सॉरी एक 300 क्वांटिटी इंटू 300 रुपीज़ हो जाता है. मैं 300 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो उसको ऐसा इग्नोर मत कीजिए आपकी ये चीज़ें रॉन्ग है और ये चीज़ें राइट है, राइट. तो ये चीज़ें अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और ये बेसिक बेसिक चीज़ें देखना भूलिए मत गाइस. और मैं ट्रेड को सोच रहा हूँ कि एग्जिट कर लूँ बिकॉज कि है ना आज का डे है वो ज़्यादा बाइंग की तरफ है तो मेरे को ज़्यादा टाइम लॉस नहीं लेना है. तो मैं ये ट्रेड आपके सामने एग्जिट कर लेता हूँ और ये मैंने ट्रेड मेरा एग्जिट कर लिया है 216 रुपीज़ पे. देखो गाइस कैपिटल मेरे को इसमें लगा है लाइक लगभग लगभग 2000 रुपीज़ के आसपास लगा है. और इसका रीज़न क्या है एग्जिट करने का? देखो एग्जिट मैं नहीं करता. इफ आज का मार्केट आप बैंक निफ्टी को देखो, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी और आपको दिखाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा आज पॉजिटिव की डायरेक्शन में है. और आज के दिन ही US की जो प्रेसिडेंटशिप है वो मतलब एक एक ही यूनिडायरेक्शनल गवर्नमेंट को गई है. तो मेरे को आज का मार्केट में सेलिंग में बैठने का कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. तो इसीलिए मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला सेलिंग में. इफ यही अपॉर्चुनिटी मेरे को बाइंग में मिलता तो आई विल गो फॉर इट बाइंग फॉर, बट बाइंग में नहीं मिल रहा है. और ये बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, बट फंडामेंटल एनालिसिस भी अपने को देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है. माइंड सेट उतना अब देखो गाइस ये नीचे आएगा आई डोंट केयर, बट मेरे को इधर से एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को बुक करके नीचे आने का रिट्रेसमेंट हो सकता है. और दैट्स वाई मैंने ये एग्जिट करना मैंने चाहा. आपके सामने मैंने एग्जिट कर लिया है, कुछ मैंने कुछ आगे नहीं किया पीछे नहीं किया, सब आपके सामने स्टॉप लॉस मिनिमाइज आपके सामने किया. तो यही आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा. तो लगभग लगभग मैंने एक वन एक एक पॉइंट का मैंने प्रॉफिट इसमें का मतलब एक पॉइंट से 300 के स्टॉक स्टॉक में मैंने एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट का मैंने प्रॉफिट कमाया और दैट वेरी गुड फॉर इफ मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ. तो देखो आपको ये माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना है. मैं आपका माइंडसेट बिल्डअप करूंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा ऑप्शन के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा.
ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है, कौन सा स्ट्राइक पर चूज करना है, और ऑप्शन में कैसे है? मैं ऑप्शन में मेरा जो मैं जो मेरा कैपिटल यूज़ करता हूँ वही बेसिस पे करूँगा। तो गाइज अभी ये ब्रेक हो रहा है, गेस मैंने कुछ गलत बात नहीं किया, मैंने अकॉर्डिंग टू माई जो भी साइकोलॉजी और जो मैं पॉइंट्स ध्यान रखता हूँ ट्रेड लेने से पहले उसी की बेसिस पे करना। तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना वो इंपॉर्टेंट है। मेरा डिसिप्लिन क्या था कि आप मार्केट के ऑपोजिट में आज जाऊँगा नहीं, तो मैं नहीं जा रहा ना, राइट। तो ये कुछ बुरी बात नहीं है, लॉस कम मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा, डोंट वरी, बट अपन अपने जो भी अपने लेवल्स है वो बेसिस पे रहेंगे। तो दैट्स इट गाइज, होपिंग यू डूइंग बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। So back to what I was saying.